स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज की इस नए वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पायरी टप्पे के ऊपर लाइन बना के, मतलब जिससे पैर नहीं फिसलेगा। तो चलिए पूरा दिखाते हैं आपको प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक पायरी टप्पा, जो कि देख सकते हो अभी यहाँ पर सिर्फ मोल्डिंग बनाना चालू किया गया है, उसके बाद कोई भी लाइन वगैरह नहीं बनी है। तो कैसे लाइन बनाते वही आपको दिखाएंगे। हमने एक सीधे धार की पट्टी ले ली है इस तरह से, और वही पट्टी को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। तो ये पट्टी अभी हम इसके ऊपर रख देते हैं, और इस तरह से अभी हम इधर से एक आधा पौना इंच छोड़ देंगे। तो चलिए हम आधा इंच छोड़ देते हैं, मोल्डिंग छोड़ के यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ दी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लैंप से इसको करेंगे टाइट। तो यहाँ पर अभी क्लैंप से टाइट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से माप ले लेते हैं कि यहाँ पर आधा इंच है, यहाँ पर भी आधा इंच कर दिया, इसको भी कर देंगे टाइट। को भी कर दिया टाइट। अभी इसके ऊपर साधारण आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या करने का। तो दोस्तों मशीन में हमने बांध लिया, यहाँ पर देख सकते हो मार्बोनाइट, मतलब जीरो चिपिंग ब्लेड। तो इसी से पहले यहाँ पर लाइन मारना है अपने को। तो यहाँ पर अभी इसको टच करके मारेंगे। यहाँ पर एक लाइन अभी मार दी मैंने, तो अभी इसको खोल देंगे। सबसे पहले आपको इसको खोल लेना है, उसके बाद में एक और लाइन मार देना। तो दोस्तों अभी देख सकते हो एक लाइन मैंने मार दी, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से थ्री लाइन भी मारनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ से इस प्रकार मारेंगे, एक ग्रेनाइट के थिकनेस के इतना छोड़ देते हैं, मतलब पौना इंच के आसपास। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पर अभी छोड़ दिया ग्रेनाइट के इतना, इधर भी उतना ही छोड़, तो यहाँ पर उतना ही छोड़ दिया, इसको भी कर देते हैं टाइट। एक दूसरी लाइन भी मार दी मैंने, अभी इसको कर देते हैं ओपन और इसको निकाल देते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। तो अभी देख सकते हो इस तरह से दो लाइन हमारी बन चुकी है। आप लाइन अगर चाहिए तो लाइन भी रख सकते हो इस तरह से, लाइन नहीं चाहिए तो अभी आपको दिखाता हूँ जिस तरह से हम करते हैं वो आपको दिखा देते हैं। अभी यहाँ पर ग्राइंडर में डायमंड ब्लेड ले लेना है, अगर ये मेरा कटिंग ब्लेड है, आप अगर चाहते हो तो प्लेन ब्लेड लोगे तो और अच्छा आ जाएगा। तो चलिए इससे अभी इसके ऊपर रफ करते हैं। तो इस तरह से भी एक ओर से मैंने रफ कर दिया, दूसरी ओर से भी करके आपको दिखा देता हूँ। Thank you.
तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो, अभी मैंने कर दिया रफ, क्योंकि देख सकते हो पूरी पट्टी बन चुकी है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो आसानी के साथ, इस तरह से देख सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप भी अपना मतलब बना सकते हो टप्पे को रफ करके इस तरह से, और ये पूरा टप्पा हम कैसे फिट करते हैं इसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो